डैड तुहाडे ते मॉम दी प्रॉब्लम की है मैनू अज तक समझ नहीं आई। इकट्ठे तुसी बह नहीं सकते। जेड़ी चीज़ तो मॉम नू खुशी मिलती है वो तुहानू नहीं पसंद, ते तुसी दोनों शेयर भी नहीं करना चाहते। इस चीज़ का सोल्यूशन की है? कई गल्लां च बच्चियां नू इंटरफेयर करन दी लोड़ नहीं हुंदी। राइट, यही गल कह के मॉम भी टाल दिंदे आ। आई एम गेटिंग लेट, तुसी करो पार्टी। डैड किरन ना किरन 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 नहीं मैं तो फिल्म च चौंदी लग गई सी। यही सी गारंटी है। हेलो, हाँ जी किरन। हाँ बस मैं तैयार हूँ, मैं निकल ही रहा सी। ठीक है जी, दाढ़ी की पलोसी है ना, बूट पा चल गए आप। अरे भाई जी, अरे भाई जी, आपको रात बोला था ना, अभी बहुत सर फट रहा है। सर दुखद है? हाँ भाई, पहला नहीं दस्या दीपे देनु दुबई। लेकिन आप कहाँ जा रहे हो? मोहित साहब, आप तो बन गए प्रधान, हमारी तो वही रूटीन लाइफ है ना। है आ करो आ पीपनी। शाबाश। अरे भैया ये कौन सी पिल थी? आयुर्वेदिक। आज तू भाषणा दे पड़ाके पा देने, तही बोलना कल्ले ने मेरे वीर ने। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? आपको पता है ना कि आज पार्टी मीटिंग है, आज एजेंडा पेश करना है। मोहित यार प्रधान, तू पार्टी तेरी, एजेंडा तेरा, साड़ी ता उही बहां उही कहाड़ी, क्लास चल रहा चलो। अरे भैया कौन सी पार्टी? भूमिका वाली। अरे भैया क्या बात कर रहे हो, मेरी भी क्लासेस है। भूमिका को आपने मेरा हाथ पकड़ाया था ना, याद है ना? ना याद नहीं। अरे भैया आप हाथ कर रहे हो यार, मेरी अरे मेरी बात तो सुनो। मोहित बचोले दा काम होता हाथ फड़ाउना, एदू बाद मियां बीबी ने आप घर। लेकिन मेरी बात तो पहला मेरी बात सुन ला पूरी। साडे मुंडे नु डिस्ट्रैक्ट ना करो यार, ओनू पढ़ लैन दो यार, असी तां पहले ही लेट आ। अरे भैया यार नहीं। अरे भैया मेरी भी क्लासेस है। अरे भैया बात तो सुनो यार। अरे भैया, अरे धर्मपाजी, अरे मेरी बात तो सुनिए धर्मपाजी। अरे धर्मपाजी बात तो सुनिए पाजी, ये धोखा है। आप ही याद कीजिए, आप ही ने मुझे प्रेसिडेंट बनाया था ना, और अभी आप ही भाग रहे हो। याद रखना धर्मपाजी, आज मीटिंग में पहला एजेंडा आउटसाइडर का उठेगा। आप नायन कुछ एक दिन ची पॉलिटिक्स सीख गया तो जितन सारी दिल्ली वाले मंगोल टपकतन लग गया। दीपे देखी मेरी एक्टिंग? एक्टिंग मैं क्या सी, मैं क्या तर मैं मौत नु नहीं पता लगना चाहिए भी एक्टिंग करदा भाई, नशा करा दी है सिरा सिरा भाई। धर्म पाजी मेरे पेट में क्या हो रहा है? ए तो मौत पहले हिल रही होनी है ब्रो। पहल ए तो हिल पहल होगी। ओ हुन तू हो जा तैयार कि तौड़िए च करनी है पहली मीटिंग। हां मैं नहीं बंदे नु छड़दे हुंदे। दो मिनट में जत्थे खड़ के स्टैंड नहीं यार टॉल असी। ओ पूजी ने भरावा
भूमिका चंदेपोटर वेलकम टू स्टूडेंट पॉलिटिक्स मोहित यू आर द लीडर नाउ अज तो तुसी सिर्फ ते सिर्फ स्टूडेंट्स ले समर्पित हो अज तो तुहाडा घर परिवार दिन त्योहार सब कुछ ए यूनिवर्सिटी ते इत्थों दे स्टूडेंट्स ने तुहानू लीडर बनन दियां बहुत बहुत शुभकामनावां ताड़ियां मोहित माड़ा जिहा हस के ना सब दा धन्नवाद कर दे नाले स्माइल रख मुंह ते थोड़ी जी हां ताड़ियां मकन भूमिका जी एक मिनट वो ऐलान कर दे भी खर्चा मोहित दूगा सारा साथियों आज साडे न्यू प्रेसिडेंट ने अपनी जॉइनिंग दे पहले दिन तुहानू सारेयां नू एक छोटा जा सरप्राइज दिता है के तुहाडा अज दा कैंटीन दा सारा खर्चा ए पे कर मोहित दिस इज योर ओथ स्पीच जो आज इवनिंग च तुसी बोलनी है ठीक है तैयारी करके जाई चंगा लेट्स गो धन्यवाद जी तुहाडा भूमिका चंदेल भूमिका चंदेल रोज थोड़ी छटने जावे हम पार्टी मन चाहे ना मन यार मैंने तो ये चु भरजाई दी देखी यार कि लेट ही ना हो जी ये तो जदे या कद ही होंगे अज ही प्रपोज कर दे पक्का चक दे कुछ नहीं होंगे तू आज झूठी तो नहीं की क्यों थैंक यू टंग टंग एक लास्ट एब्सेंट होने दा ब्राइब आ हाँ जी अब मेरा मतलब नहीं सॉरी वो आज मोहित दी जॉइनिंग सी ता ओके मैं कुछ करना पहला तुसी बोलो असल च ना मैं थोनू ये कहना आया सी के तुसी मैनू ब्रेकफास्ट कराया सी ना ता मैं सोचदा सी मैं थोनू ब्रेकफास्ट करा के वो लांबा ला दियां तरम तुसी गल बदलती ना हाँ जी मेरा मतलब नहीं मैं पहला सोच के डिनर दा आया सी फिर बेल दा सोच के मैं ब्रेकफास्ट करता इन्नी भी भोली नहीं है मैं पर चलो जिद्दा तुसी कहो तुसी मैनू घर तक नहीं छड्डोगे हाँ हाँ क्यों नहीं प्लीज तेजस एक कुश्ती हार के अखाड़े की मर्यादा को नहीं भूलते बेटा और हां राजनीति की सीढ़ियां कूदने से सार नहीं होती बल्कि स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ता है डैड आपने भी तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से स्टार्ट किया था आपको तो समझना चाहिए तेजस बेटा गलती करके सीखने से अच्छा है साथियों के तजुर्बे से सीखने की कला अपनाओ डैड इन्हीं साथियों के तजुर्बे ने ये हार का तगमा मेरे गले में डाला है ये देखिए वीडियोस गुंडागर्दी मार पिटाई बदमाशी है ऐसे स्टूडेंट को चोट देकर वोट की आस कैसे कर सकते हैं हम बेटा राजनीति का मतलब यही है क-
कि लोगों पर नीतियां बनाकर राज करना और सेवा सिर्फ स्पीच बोलने के काम आती है। डैड डोंट फॉरगेट आई एम इन स्टूडेंट पॉलिटिक्स। शायद ये बात तुझे देर से समझ में आएगी लेकिन मेरा तजुर्बा ये कहता है अगर स्टूडेंट पे राज करना है ना तो राठी के एक्सपीरियंस से आगे बढ़ो। प्रधान साहब मंजा खाली करिए की पता कोई गल बन जाए। नहीं भैया। भैया कितनी अजीब बात है ना आपने मेरी जिंदगी में कहां कहां फुल स्टॉप लगा दिया। भैया जी कैसी पिल थी। 2 दिन हो गए मैं टॉयलेट जाता हूं और हवाई फेर करके वापस आ जाता हूं। भैया प्लीज इस पिल का कोई इलाज कर दीजिए। मोत पहला दसना सी अपने को हर मर्ज का इलाज है। दीपे कट बैग चो। भैया इसका भी इलाज है। हाँ मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा भैया। यार है ना कह तू हुण मोहित डरदा क्यों यार ये शराब थोड़ी है ना ये तो काट है काट ये तो बस तेरे अंदर गई नहीं ते बाथरूम च हारे तो बिल्ला डिगया नहीं। हारा बिल्ला ओ यार खड़का थल्ड थल्ड होएगा। चक चक असी तो छड़ी हुई है मोहित कंपनियां देनियां तेनू ओदे वांगू चक देखी चमत्कार चक 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 ये पढ़ाउंदा नहीं है। चलो कोई गल नहीं असी तो शिष्टाचार नाल ही पीने आ। दीपक होर पा दे मोटा जा फिर बनू गल इन्हें पाउनियां वेल। क्यों बनदी है गल मन लगता बन गई गल बन गई बन गई करता ना काम कहा सी। धर्मेंद्रा मेरी गल मन तू प्रधान वाका करके मुड़ू क्यों होगी कुछ गबरी। कृपा है आपकी भाई होगी मैनू पता सी इधर उत्ते की है यार। वो उपचार था ये सेलिब्रेशन है। व्हाट एन ओकेजन चक चक वैसे तू जपड़ा ही था नहीं। चलो भैया जी आप कितना ख्याल रखते हैं ना मेरा। आपसे एक बात कहूं। बोल बोल क्यों मल्ला नु ते दारू गल्ला नु क्यों दीपे। ओ यार ए तो यार नौ ते डुल्ली नहीं मान हुंदी अपना दा फोर्थ फोर्थ पेग ने चौथा। भैया आप दोनों की वजह से ना आप दोनों की मेरी जिंदगी बर्बादी से मात्र एक स्टेप पीछे खड़ी है। ओ लाती सारी आंखी कह गया। अगर इसी तरह फंक्शन चलते रहे ना तो बहुत जल्दी मैं फुली बर्बाद हो जाऊंगा। दीपे इनू मोटा जहा कहोर पा दे सौजूगा मैनू लगता इनू रिएक्शन कर गई। नहीं नहीं दीपा भैया अबे सुनिए दीपा भैया वो देख रहे हैं आप देखिए जरा उस वस्तु को किताबें कहते हैं। इनकी वजह से मैं यहां आया था। जब से वो ऊपर गई है ना मैं नीचे आ गया। ओ यार कोई चक्कर नहीं यार मौत एदे च किड्डी की गल है भाई तू उत्ते आया यार कोई चक्कर नहीं बस आया यार हटाओ। सीरियसली यार
ਹੀ ਲਾਤੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਵਧੀਆ ਕੱਢੂ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਚੱਲ ਚੱਕ। ਭਈਆ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਹੂੰ, ਅਗਰ ਅਭੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀ, ਤੋ ਇੱਕ ਪੈਗ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡ ਕੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਜੈਸੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਰੱਖਤੀ ਥੀ। ਜਬ ਅੰਕਲੇਗੀ ਪੀ ਲੇਂਗੇ। ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਉੱਪੇ ਆ ਵੀਰੇ, ਪਿਆਲਾ ਇਹਨੂੰ। ਪੈਗ ਖਿਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂ। ਤਲਵਿੰਦਰ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਵੱਡੇ ਹੀ ਕੰਮ ਛੇੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇੰਦਰ, ਇੰਦਰ ਛੱਡੋ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੋਲੋ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਜਾਓ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਦਿਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਮਦਰਦੀ। ਹਮਦਰਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦਿਲਾਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਛੱਡੋ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਈ ਆ ਆਪਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾਰ ਗਏ। ਕਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜਸ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਸਬਰ ਇੰਦਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਜਸ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਬਚੂ? ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ? ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਰਮੇ ਮਿੱਠਾ ਦੇਈ। ਦੀਪੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਚੱਲਿਆ? ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਰਮੇ। ਤਲਵਿੰਦਰ, ਕਿਰਨ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਚਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਦੀ ਸੰਗ ਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਖਾ ਲਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਗਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਲਵਿੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬੇਬੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਨਾ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੰਗੀ ਨਾ। Thank you.
ਧਰਮਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਤੇ ਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਉਹ ਨਾ ਮੋਹਿਤ ਦਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਲ ਦਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਓ ਹਾਂ ਸੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵਾਓ ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਮਧੂਬਾਲਾ ਵੈਸੇ ਗਿਫਟ ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਓਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਚਲੀਏ थैंक यू जे तुसी चाहो तो दो शब्द मेरी तारीफ च बोल सकते हो तारीफ करन ते कोई जीएसटी नहीं लगती जड़ा थोड़ा बिल बाजू तुसी बहुत सोहने लग रहे हो किरण इन्ने सोहने जिवें नसल होवे कोई परियां दी ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੇਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਵਕਤ ਤਾਰੀਫ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਧਰਮ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਰੀਫ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਰੀਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਕਹਿ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਕੰਪਨੀ ਹੂ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਚਲੋ ਧਰਮ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਰਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸੱਚੀਓ ਗੱਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਉੱਪਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਲੂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਪਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਹਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਹਾਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਖਬਰੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਛਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਵੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਂਸੀ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਬੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ ਲਿਸਨ ਆਈ ਐਮ ਇੰਗੇਜਡ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੰਗ ਦੀ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਧਰਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਨ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਰੈਕੋਰਡ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 7 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਮਾਇੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ
चैनल जरूर सब्सक्राइब कर। एक्टर ने जिथे शहर एक शहर।